सुप्रभात बच्चों, बच्चों देखिए, जब आप आपके दोस्तों के साथ खेलते हो तो दोस्तों के साथ खेलते खेलते आप क्या करते हो, अगर किसी ने नई साइकिल खरीदी तो घर आकर आप क्या करते हो, मम्मी पापा से कहते हो कि मम्मी पापा मेरे दोस्त ने नई साइकिल खरीदी है, मुझे भी खरीद कर दो, है ना। उसी प्रकार से अगर कोई जो बच्चा है वो कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो फिर आप भी क्या कहते हैं कि मम्मी पापा देखिए मेरा दोस्त घूमने के लिए गया है तो हम उनके साथ चलेंगे, ऐसा कहते हैं ना बेटा। मतलब जैसा हमारा दोस्त करता है या जो चीज़ उसके पास होती है हम क्या करते हैं, उसकी नकल करते हैं, कॉपी करते हैं। और देखिए बहुत बार क्या होता है कि ये जो नकल आप लोग करते हो तो जो चीज़ आप मम्मी पापा से मांगते हो तो बहुत बार ये नकल करना क्या होता है बेटा, बुरी बात होती है। तो देखिए ये बुरी बात कैसे होती है और नकल किसकी करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए, इसी बात को आज हमें नकल, हमारे लेसन का ही नाम है और लेसन नंबर है 10, पेज नंबर 38 पर दिया हुआ है। तो बहुत ही सुंदर सा पाठ है और इस पाठ के माध्यम से जो लड़का है प्रशांत, उसके मम्मी पापा उसको यही समझाते हैं कि बेटा नकल किस बात की करनी चाहिए और किस बात की नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बेटा पेज नंबर 38 आपको निकालना है और आगे हमें पढ़ना है कि उसकी मम्मी पापा उसे किस प्रकार से समझाते हैं। नकल का मतलब है कॉपी करना। कॉपी करना मतलब हम एग्जाम में कॉपी करते हैं वैसी कॉपी नहीं, यानी किसी ने कोई एक्टिंग की, जैसे आप पिक्चर देखते हो ना बेटा, तो पिक्चर में कैसे जो हीरो होता है एक्टिंग करता है, तो जो एक्टिंग करता है उसी तरह से उसी की एक्टिंग देखकर बाकी लोग भी करते हैं, उसको नकल कहते हैं, कॉपी करना कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रशांत की परीक्षा आज से शुरू होने वाली थी। इस कहानी में प्रशांत नाम का लड़का है, प्रशांत, तो आज से उसकी परीक्षा जो है शुरू होने वाली थी, मतलब उसकी एग्जाम जो है शुरू होने वाली थी। वह दूरदर्शन पर विज्ञापन देख रहा था। देखिए क्या कर रहा था वह, उसकी एग्जाम शुरू होने वाली थी, तो एग्जाम जब शुरू होती है बेटा तब क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए ना। लेकिन देखिए हमारे पाठ में जो प्रशांत है, इस कहानी का जो प्रशांत है वो क्या कर रहा था, विज्ञापन देख रहा था। विज्ञापन का मतलब एडवर्टाइज जिसे हम कहते हैं, बहुत से बच्चों को यानी कार्टून फिल्म वगैरह देखने के बजाय उन्हें विज्ञापन जो होता है वो देखना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से जो प्रशांत है उसको भी विज्ञापन देखना बहुत पसंद था। क्या पसंद था उसको, विज्ञापन देखना, एडवर्टाइज देखना उसको पसंद था, ठीक है। वह दूरदर्शन पर विज्ञापन देख रहा था, वह मतलब प्रशांत। पिताजी ने पूछा, क्यों प्रशांत परीक्षा के लिए तैयार हो। प्रशांत बोला, हाँ पिताजी, पेन पेंसिल ले ली, जूते पॉलिश कर लिए, कपड़ों की इस्तरी हो गई, पानी की बोतल भी भर ली है। तो देखिए इस प्रकार से पिताजी जो है प्रशांत को पूछ रहे हैं कि बेटा
एग्जाम के लिए जा रहे हो, परीक्षा के लिए जा रहे हो, क्या तुमने पूरी तरह से तैयारी कर ली है? तो प्रशांत बोलता है, हाँ पिताजी, पेन पेंसिल। पिताजी बोलते हैं कि पेन पेंसिल, जूते भी पॉलिश कर ले, कपड़े की इस्तरी भी हो गई, पानी की बोतल भी भर ली है, यानी सारी जो तैयारी है प्रशांत ने कर ली है। आप कौन कौन सी तैयारी करते हो बेटा एग्जाम के लिए जाते हो तब? कौन कौन सी तैयारी करते हो? ऐसे ही तैयारी करते हो ना, सबसे पहले कल एग्जाम है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, स्कूल का जो यूनिफॉर्म है वो धुआ है कि नहीं, अच्छी तरह से साफ है कि नहीं, उसके बाद पेन पेंसिल रबर इरेजर पैड, ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से रात से ही भर कर रखते हो, है ना। तो इसी तरह से जो प्रशांत है उसने भी सारी तैयारी कर ली थी। पिताजी बोले, शाबाश बेटा। माँ बोली, बेटा देख कुछ बाकी तो नहीं रह गया है? अब देखिए माँ जो है ज्यादा ही हमारी चिंता करती है, और माँ कहती है कि बेटा देखो और भी कुछ बाकी है क्या, कुछ रह तो नहीं गया, देख लो एक बार। प्रशांत सिर खुजलाते हुए बोला, माँ सब कुछ हो गया है, बस थोड़ी सी पढ़ाई बाकी है। देखिए वह माँ की मजाक कर रहा है, यानी मजाक मजाक में माँ को उत्तर दे रहा है कि सब कुछ हो गया, अभी बस थोड़ी सी पढ़ाई बाकी है। आप भी कभी कभी मजाक में कहते हो ना ऐसा? तो जो प्रशांत है वह अभी माँ से ऐसे ही कह रहा कि माँ सब कुछ हो गया, बस थोड़ी सी पढ़ाई बाकी है। तो अभी देखिए माँ गुस्सा हो गई। गुस्से से माँ बोली, हमेशा विज्ञापन क्यों देखते रहते हो? प्रशांत सहमते हुए बोला, माँ मुझे विज्ञापन अच्छे लगते हैं। देखिए जब उसने माँ को बताया कि बस थोड़ी सी पढ़ाई बाकी है तो माँ को गुस्सा आ गया। अगर आप ऐसा आंसर दे तो माँ को, तो क्या करती अपनी माँ? शायद अपनी माँ भी गुस्सा हो जाती है ना। तो इसी तरह से प्रशांत की माँ भी गुस्सा हो गई और गुस्से से बोली, हमेशा विज्ञापन क्यों देखते रहते हो, मतलब एडवर्टाइज जो होती है वह टीवी क्यों देखते रहते हो? प्रशांत सहमते हुए बोला, माँ मुझे विज्ञापन देखना अच्छा लगता है। परीक्षा का दिन था, पिताजी स्थिति संभालते हुए बोले, यानी परीक्षा का दिन था इसलिए पिताजी ज्यादा इस समय पर उसको डांट नहीं सकते थे, इसीलिए पिताजी ने थोड़ी परिस्थिति को संभाला और बोले, अच्छा प्रशांत, तुम्हें जो विज्ञापन सबसे अच्छा लगता है उसकी वैसे ही नकल करके दिखा। क्या कहा बेटा पिताजी ने प्रशांत के, कि ठीक है तुम्हें विज्ञापन देखना अच्छा लगता है, लेकिन जो विज्ञापन तुम्हें पसंद है, जो विज्ञापन तुम्हें अच्छा लगता है, तो उस विज्ञापन की मुझे नकल करके बताओ। देखिए आगे क्या होता है, प्रशांत गड़बड़ा गया, मतलब वह घबरा गया थोड़ा सा, बोला, पिताजी मैंने कोई भी विज्ञापन इतने ध्यान से नहीं देखा है, देखना तो अच्छा लगता है लेकिन जब पिताजी इसकी नकल करने के लिए बोलते हैं तब क्या कहता है प्रशांत? कि पिताजी इतने ध्यान से तो मैंने विज्ञापन नहीं देखा है कि जिसकी मैं नकल करके दिखा सकूं। पिताजी बोले, बेटा जो भी काम करो ध्यान से करो। क्या कहा पिताजी ने, बेटा तुम कुछ भी काम करो, ठीक है तुम्हें विज्ञापन देखना अच्छा लगता है, लेकिन जो भी काम तुम करते हो उसको कैसा करना चाहिए? ध्यान से करना चाहिए, ध्यान देकर करना चाहिए, पढ़ाई भी ध्यान और एकाग्रता से ही करनी चाहिए। देखिए जो हम पढ़ते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, तो वह पढ़ाई भी बेटा हमें कैसी करनी है? ध्यान और एकाग्रता से करनी है। एकाग्रता मतलब मन लगाकर, उसी में मन लगाकर हमें पढ़ना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते बेटा, देखिए अगर टीचर ने होमवर्क दिया तो बस होमवर्क कंप्लीट करना है उसको, तो
बिल्कुल जल्दी जल्दी में यानी बिना सोचे समझे हैंडराइटिंग गंदी निकालना, जो दिया है उसको अंडरस्टैंडिंग न करते हुए जैसे के वैसे किसी की कॉपी देखकर नकल कर लेना, मतलब कंप्लीट कर देना, ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। होमवर्क क्यों दिया जाता है आप लोगों को, क्यों दिया जाता है बेटा? उसका जो आकलन है, टीचर ने जो टॉपिक आपको पढ़ाया है उस टॉपिक का आकलन आपको होना चाहिए या हुआ कि नहीं, ये देखने के लिए टीचर आपको होमवर्क देती है। तो आपको कैसा करना है? मन लगाकर करना है। जब टीचर आपको पढ़ाती है तो आपको मन लगाकर पढ़ना है, सुनना है। तो यही जो बात है, प्रशांत के पिताजी उन्हें समझाते हैं कि बेटा कोई भी काम जब हम करते हैं ना, तो उसको ध्यान से और मन लगाकर करना है। जब आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करते समय भी आपको पढ़ाई ध्यान से और एकाग्रता से, मतलब बिल्कुल उसी की ओर ध्यान हमें केंद्रित करना है, पढ़ाई की ओर ही केंद्रित करना है। हमारे आसपास में क्या हो रहा है कोई भी यानी उसके बारे में हमें खबर नहीं होनी चाहिए, इतनी एकाग्रता से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। परिश्रम और लगन से पढ़ोगे तो परीक्षा भी खेल विज्ञापन जैसे ही मनोरंजक लगेगी। देखिए, अगर आप पढ़ाई मन लगाकर करोगे, ध्यान से करोगे बेटा, तो जिस प्रकार से आपको खेलना पसंद है या जब आप खेलते हो तो खेलते समय आपका मनोरंजन होता है, आपको आनंद मिलता है, मिलता है ना आनंद, बहुत आनंद के साथ खेलते हो ना, बहुत खुशी होती है आपको जब आप खेलते हो तब, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से अगर आपने मन लगाकर पढ़ाई की तो जिस प्रकार से खेलते समय आपको आनंद आता है, आनंद मिलता है, उसी प्रकार से जब आप पढ़ाई करोगे तो ये जो परीक्षा है ये परीक्षा भी आपको एक मनोरंजक लगेगी। परिश्रम और लगन से पढ़ोगे तो परीक्षा भी खेल विज्ञापन जैसे ही मनोरंजक लगेगी, मतलब आनंद देगी। प्रशांत पिताजी की बातें ध्यान से सुन रहा था। माँ बोली, बेटा चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। देखिए, जो भी बातें पिताजी बोल रहे थे वह प्रशांत ध्यान से सुन रहा था। और तभी माँ बोली कि बेटा जो चीज चमकती है वो सोना नहीं होती। सोना मतलब पता है ना बेटा आपको कैसे होता है? सोना पीले कलर का होता है और चमकीला होता है ना? तो इसी प्रकार के अन्य धातु भी होते हैं, जैसे पीतल होता है, पीतल भी जब नया नया होता है तो उसका कुछ चमक होती है उसके ऊपर, उसका रंग भी पीला होता है कि नहीं? तो यानी यही बात माँ प्रशांत को समझा रही है कि कोई भी चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। सभी विज्ञापन हमेशा सही नहीं होते। देखिए, माँ का कहने का मतलब क्या था, बेटा तुम जो विज्ञापन देखते हो वो सभी सही नहीं है, यानी बहुत से जो विज्ञापन होते हैं बेटा, यानी उसमें बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई जाती है। तो असलियत में अगर हमने वो जो प्रोडक्ट है उसका यूज किया, उसका उपयोग किया, तो जिस प्रकार से उसकी एड दिखाई जाती है वैसे फीलिंग हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लेना चाहिए, इसी लिए वह क्या करते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा कर उस एड को बनाते हैं। तो यही बात जो है माँ प्रशांत को समझा रही है कि सही जो सभी जो एड है, जो विज्ञापन है, वो सही नहीं होते। अंततः तुम्हें सही गलत विज्ञापन की पहचान भी होनी चाहिए, यानी कौन सा विज्ञापन सही है कौन सा गलत है, ये बातें भी तुम्हें समझ में आनी चाहिए। पिताजी बोले, विज्ञापन भी एक कला है,
देखिए विज्ञापन करना ये भी क्या है बेटा, एक कला है। तो विज्ञापन करने वाले जो लोग रहते हैं, तो आपको पता होगा कि ये जो विज्ञापन करने वाले लोगों को सेकंड जो होता है, सेकंड के आधार पर उनको पैसे मिलते हैं। और विज्ञापन ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड की या 60 सेकंड की ऐसी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती। और बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो फेमस लोग होते हैं उन लोगों को ही विज्ञापन दिया जाता है ना। ऐसे जो छोटे मोटे मामूली कलाकार रहते हैं उनको विज्ञापन नहीं दिया जाता, जो स्टार होते हैं बड़े उनको ही विज्ञापन करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। अभी देखिए ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन हमें टीवी पर किसके दिखाई देते हैं, किसके दिखाई देते हैं? अब तक तो मैंने जहाँ तक गौर से देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन देखिए अमिताभ बच्चन, उसके बाद अक्षय कुमार, ये जो फेमस हीरो होते हैं इनके ही विज्ञापन ज़्यादा, यानी उन्हीं उन विज्ञापन के लिए चुना जाता है। मतलब विज्ञापन करना भी क्या है, एक कला है, वो सभी को नहीं आती। तुम भी यह कला सीख सकते हो। देखिए तुम भी ये जो विज्ञापन की कला है, एक्टिंग की जो कला है वो सीख सकते हो। मतलब यहाँ पर हमें किस बात की ओर ध्यान देना है बेटा, जो बात हमें पसंद है, कोई भी बात हो, किसी को पढ़ाई करना अच्छा लगता है, कोई खेल कूद में आगे होता है उसको खेलना कूदना अच्छा लगता है, कोई डांस में, कोई सिंगिंग में, तो कोई भी पसंद हो आपकी, बस उस पसंद को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, उसी की ओर ध्यान देना है, उसी पसंद को लगन से, मेहनत से, परिश्रम से और एकाग्रता से आगे लेकर जाना है। इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है और यही बात प्रशांत के पिताजी उसे समझा रहे हैं। प्रशांत बोला, पिताजी मेरी आंखें खुल गई हैं, यानी अब सारी जो बात है मेरे समझ में आ गई है। यहाँ पर देखिए बेटा, आंखें खुलना, आंखें खुलना मुहावरा है, आंखें खुलना ये क्या है, एक मुहावरा है। क्या है इसका अर्थ, आंखें खुलना क्या है, होश में आना, गलती का एहसास होना। तो देखिए यहां पर होश आना यानी बात समझ में आना, गलती समझ में आना, होश में आना, यहीं पर लिखती हूँ बेटा सामने, होश में आना। यानी सही बात समझ में आना, ऐसा भी आप अर्थ ले सकते हो। तो हमें वाक्य बनाना है, वाक्य में प्रयोग करना है, कैसा करोगे बेटा? देखिए मैं एक आपको समझा कर देती हूँ, उसके बाद एक वाक्य आपको बनाना है, ठीक है? मेरे सच्चे मित्र से धोखा धोखा खाने पर धोखा खाकर, मेरे सच्चे मित्र से धोखा खाकर मेरी आंख खुल गई, मेरी आंख खुली,
देखिए यहाँ पर जो मुहावरा है, ये मुहावरा होता है उसका जो अर्थ होता है उसका वाक्य में प्रयोग नहीं करना है बेटा। ये जो मुहावरा पूछा जाता है इसी मुहावरे का वाक्य में हमें प्रयोग करना है। मेरे सच्चे मित्र से धोखा खाकर मेरी आँख खुली या आँख खुल गई, वाक्य वहां पर पूरा होता है। ठीक है, ओके। दूसरा वाक्य आपको बनाना है, वाक्य में प्रयोग करना है। ये पहला वाक्य हो गया, ये दूसरा वाक्य आपको करना है। ठीक है, प्रशांत देखिए, तो तुम भी यह कला सीख सकते हो। प्रशांत बोला, पिताजी मेरी आंख खुल गई है, अब मुझे होश आ गया है, मेरी गलती का मुझे एहसास हो गया है, अब तो आप मुझे पाठशाला पहुंचा दे। सुनकर सभी एक साथ हंस पड़े। और देखिए क्या था बेटा उस दिन प्रशांत का, क्या था, प्रशांत की परीक्षा थी, है ना, परीक्षा के लिए वो तैयार हुआ था। और जब तैयार हुआ था तो उसी समय पे ये सारी बातें हुई। और फिर आखिरी में प्रशांत कहता है, अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है, कोई भी काम अगर मैं करूँगा तो लगन से करूँगा, ध्यान से करूँगा, यही बात उसके समझ में आ गई थी। और वो कहता है, अब तो मुझे स्कूल में पहुँचा दो। और फिर एक साथ तीनों हंस पड़े। तो इस पाठ के माध्यम से बेटा हमें भी यही सीख मिलती है कि कोई भी काम करना है, जो भी आपकी हॉबी होगी, जो भी आपकी पसंद होगी, उस पसंद को हम आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, उस पसंद की ओर ध्यान देना है, उस पसंद को आगे ले जाने के लिए जो भी काम करना है वो लगन से करना है, उसके लिए मेहनत करनी है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही सुंदर पाठ हमारा समाप्त होता है। अभी आइए स्वाध्याय की ओर देखिए। अभी महासागर, प्रश्न पहला कौन सा है, महासागर के बारे में सुनो। महासागर, तो मुझे महासागरों के नाम बताने हैं। बताइए, एक दो नाम बताए तो भी चलेगा। कौन कौन से महासागर है बेटा, देखिए हम मुंबई गए हैं, गए हैं आप लोग मुंबई में, या सुना होगा आपने, वहां पर बहुत बड़ा समंदर है। सागर है, समंदर है, क्या नाम है उसका, देखिए मैं बता दिया आपको। देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंदी महासागर, उसे हिंद महासागर भी कहते हैं, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ये प्रमुख पांच महासागर हैं। तो इनके बारे में आप अधिक जानकारी यूट्यूब या गूगल पर भी सर्च करके जान सकते हो। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक दो, रेल स्थानक के बारे में बताओ। गए हो आप बेटा, आप रेल से जरूर गए होंगे, एक अनेक बार जरूर गए होंगे रेल से। तो जो रेल स्थानक होता है उस पर हमें पहुंचना होता है ना पहले, तो सबसे पहले हम रेल से जाने के लिए टिकट निकालते हैं। तो क्या क्या होता है रेल स्थानक पर, उसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक तीन देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों के नारे पढ़ो और उनका संकलन करो, जो स्वतंत्र सेनानी होकर गए हैं। आपको पता है हमारा देश आजाद था क्या, नहीं, हमें आजादी नहीं मिली थी, अंग्रेज जो थे उनका शासन हमारे देश पर था। तो इस आजादी के लिए बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं।
तो उनके जो नारे हैं, इतिहास आप पढ़ते हो, इतिहास में पढ़ा होगा आपने, तो उनके जो नारे हैं वो नारे आपको स्लोगन जिसे कहते हैं स्लोगन, तो उन नारों का संकलन करना है। प्रश्न 14 उत्तर लिखो। अभी देखिए, प्रशांत ने क्या क्या तैयारी कर ली थी, क्या क्या तैयारी कर ली थी बेटा? प्रशांत ने क्या क्या लिया था परीक्षा के लिए जाते समय? कपड़े प्रेस कर लिए थे, उसके बाद देखिए, और जूते पॉलिश कर लिए थे, पेन पेंसिल ले ली थी, पानी की बोतल भी भर ली थी। ठीक है, अभी देखिए प्रश्न दूसरा। प्रशांत का कौन सा काम बाकी रह गया था? कौन सा उत्तर देता है वो माँ को जब माँ कहती है कुछ बाकी तो नहीं रह गया बेटा, तब वो क्या कहता है, क्या आंसर देता है माँ को? बस थोड़ी सी पढ़ाई बाकी है ना। तीसरा देखिए, पिताजी ने पढ़ाई और परीक्षा के बारे में क्या कहा? पढ़ाई और परीक्षा के बारे में क्या कहा था कि बेटा अगर पढ़ाई ध्यान से, जो पढ़ाई है वो ध्यान और एकाग्रता से करोगे तो ये जो परीक्षा है ये परीक्षा खेल और विज्ञापन के जैसे ही मनोरंजक बन जाएगी, है ना बेटा? यही आंसर है ना। ओके, अभी देखिए अगला प्रश्न। माँ ने बेटे को कैसे समझाया, कैसे समझाया कि बेटा हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, उसी तरह से जो विज्ञापन आप देखते हो वो सभी विज्ञापन सही नहीं होते, यही बात माँ ने प्रशांत को समझाई थी। ओके, आखिरी में देखिए, सभी एक साथ कब हंस पड़े? देखिए कब हंस पड़े, प्रशांत बोलता है कि पिताजी मेरी आंख खुल गई है, अब तो मुझे पाठशाला पहुंचा दो, तब सभी हंस पड़ते हैं। तो ये जो उत्तर लिखो, क्वेश्चन जो है उसके आंसर बेटा मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। ठीक है, अभी देखो, चित्र देखकर विज्ञापनों से संबंधित एक-एक वाक्य बताओ। तो आप विज्ञापन देखते हो, दूध, अमूल दूध जो होता है उसका विज्ञापन आता है, तो उससे संबंधित एक वाक्य मुझे लिखना है, लिखकर भेजना है। उसके बाद देखिए, पेंसिल, नटराज पेंसिल की याद आती है बेटा, देखिए नटराज पेंसिल की याद आती है, और कौन से वाक्य होते हैं, कौन से सेंटेंस होते हैं नटराज पेंसिल के बारे में ऐड में, वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए टूथपेस्ट बहुत सारे आते हैं, कोलगेट पेप्सोडेंट बहुत सारे आते हैं, तो उससे संबंधित एक वाक्य लिखो। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, मोबाइल है, मोबाइल है ना, यस। उसके बाद देखिए हेयर ऑयल, बहुत सारे हेयर ऑयल की ऐड आती है, पैराशूट, डाबर आंवला। उसके बाद देखिए साबुन, साबुन की भी बहुत सारी ऐड आती है, तो उससे कोई भी जो आपको पसंद है, तो एक एक वाक्य आपको सभी विज्ञापनों से संबंधित एक एक वाक्य लिखना है, ये आपका होमवर्क है, ये क्या है आपका होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6, संतुलित भोजन में कौन कौन से पदार्थ होने चाहिए? संतुलित भोजन मतलब यानी हमारे शरीर को जिस जिसकी जरूरत होती है वो सारे पदार्थ होने चाहिए खाने में, ऐसा नहीं है कि हमें एक सब्जी पसंद है तो उसको रोज आप एक ही सब्जी को खाओगे, वैसा नहीं है बेटा। सारी भोजन में सारे जो पदार्थ होते हैं उसकी आवश्यकता होती है, तो हमें सारे पदार्थ खाने चाहिए, सारी सब्जियां खानी चाहिए, करेले की सब्जी भी खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, दाल, दूध,
जो है वो भी पीना है और सारी सब्जियां खानी है। ठीक है, देखिए रोटी, दूध, आइसक्रीम, डबल रोटी, पिज्जा, हरी सब्जी, भात, चॉकलेट, बर्गर, बिस्किट, पोहा, दाल। तो कौन कौन से पदार्थ होने चाहिए बताओ, कौन कौन से होने चाहिए यहाँ पर? देखिए रोटी होनी चाहिए, दूध जो है होना चाहिए, उसके बाद हरी सब्जी, भात, बिस्किट, पोहा, दाल, बर्गर, पिज्जा, उसके बाद चॉकलेट का भी अधिक सेवन नहीं करना है, आइसक्रीम भी अधिक खानी नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो नकल पाठ है ये पाठ समाप्त होता है। इस सीख हर एक सीख लेसन में कोई ना कोई सीख दी जाती है बेटा। तो उस सीख को जीवन में हमें अपनाना है और हमारा जो जीवन है उसको सुंदर बनाना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।